हेलो फैंस, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है इवॉल्व द इम्पैक्ट ऑन मॉन्स्टर का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शटिंग दिखते हैं गांव अपने सारे मॉन्स्टर के साथ में एक रेगिस्तान के अंदर आया हुआ है। वो यहाँ पर किसी प्लेटिनम हेड नाम की जगह को या फिर लोगों को ढूंढ रहा है। तभी गांव को उन्हें ढूंढते हुए उस रेगिस्तान के अंदर एक घर दिखाई देता है। गांव उस घर के पास में आता है, गेट खोलने की कोशिश करता है। अंदर जो कोई बंदा होता है वो खुलने से मना कर देता है। गांव जबरदस्ती गेट खोल के अंदर घुस जाता है। अंदर गांव देखता है अंदर एक बहुत बड़ा बंदर है और वो आराम से एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे वो बंदर गांव को देखता है वो उठता है और गांव के लिए एक कटोरी के अंदर कुछ डालने लगता है। ये देखकर गांव का नया मॉन्स्टर जिसका नाम क्लेयर का है वो गांव से कहता है, ये कर क्या रहा है? गांव कहता है, मुझे लगता है ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है। तभी वो बंदर गांव की तरफ एक पैर पकड़ाता है जिसके अंदर सूप जैसा कुछ होता है। गांव उस बंदर को इग्नोर करता है और उस पूरे घर के अंदर घूमने लगता है। उसे घूमते हुए उस घर के अंदर एक और छोटा सा कमरा दिखाई देता है। गांव उस कमरे का गेट खोलकर उसके अंदर जाने लगता है और कहता है, इस बंदर के बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जानना है ये क्या छुपा रहा है। इस रूम के अंदर से काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है, मुझे यकीन है वो यहीं से है। ये कहते हुए गांव उस रूम के अंदर घुस जाता है। जैसे गांव अंदर घुसता है वो बंदर उछल के गांव के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गांव को पता है उसे कुछ भी नहीं हो सकता, गांव उस बंदर के साथ दिखता भी नहीं है। क्लेयर खुद ही उस बंदर के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक कर देता है और उसकी बॉडी के ऊपर दो बड़े बड़े कट लगा देता है। इससे वो बंदर सामने बैठ जाता है। फिर गांव उस रूम के अंदर दिखता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई इंसान था। मुझे यहाँ पर किसी इंसान के ब्लड की स्मेल आ रही है और साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर किसी मीट को पका रहा है। तभी गांव की नज़र सामने एक बॉल के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर कुछ पक रहा होता है। ये एक सूप है जिसके अंदर गांव को एक इंसान की उंगली दिखाई देती है। गांव उससे कहता है, मैं सही था, इसके अंदर ये एक इंसान को ही पका रहा है। ये गांव को बहुत डिस्कस्टिंग लगता है। गांव उस बंदे से पूछता है, क्या तुम ऐसा करते हो, तुम इंसानों को खाते हो? वो बंदर कहने लगता है, नहीं मैं इंसानों को नहीं खाता, इंसान हमें खाते हैं, इंसान हमें पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और खा जाते हैं, मैं केवल इससे बदला ले रहा हूँ। ये यहाँ पर मेरे एक बेटे को लेने के लिए आया था, मैंने इसे पकड़ लिया और इसे इसी के अंदर पका दिया। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है। गांव कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसको तो एक तरह का सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता है। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, तुमने एक इंसान को मारा है, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ये कहते हुए गांव उस घर से बाहर निकल जाता है और फिर क्लर्क से कहता है, क्लर्क बड़े आराम से मारना इसे, इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, एक ही झटके में खत्म कर दो। क्लर्क गांव की बात समझ जाता है, वो एक ही झटके में उस बंदर को मार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, गांव प्लेटिनम हंट के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका है। गांव कहीं दूर से छुपके उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। गांव ने देख कहता है, हमें प्लेटिनम हंट का हेडक्वार्टर मिल चुका है, इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सच में इन्होंने काफी ज्यादा छुपके अपना ये अड्डा बनाया है। ग्रैंडपा ने मुझे इनके हेडक्वार्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर भी ये इतनी मुश्किल से मिला है। अब वैसे मैं बता दूं, प्लेटिनम हैंड ये वो ग्रुप है जो माउंटेन स्प्रिट की मदद से यूजो सिटी के ऊपर अटैक करने वाला था और इसी प्लेटिनम हैंड ग्रुप की वजह से स्ट्रीपी का साइज इतना ज्यादा बड़ा हुआ था। बेसिकली ये एक आतंकवादियों का ग्रुप है जो कि माउंटेन स्प्रिट का यूज करके सिटी के ऊपर अटैक करते हैं और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि पूरी सिटी चकनाचूर हो जाती है। कुछ एपिसोड पहले गांव ने और गांव के ग्रैंडपा ने इनके पूरे प्लान को पूरी तरह से खराब कर दिया था और उनके काफी सारे लोगों को मार दिया था। जिस किसी ने भी वो एपिसोड को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके देखो। इस सीरीज के अब तक जितने भी एपिसोड आए स्टार्टिंग से लेकर अब तक के, वो सारे आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। नाउ अब सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। गांव डम्बी से कहता है, डम्बी आगे बढ़ो, अटैक करो इन पे। यहां से सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेटिनम हैंड के एक हेडक्वार्टर के अंदर से निकालते हैं जहां पर दो तीन लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है, डेजर्ट विंग को अभी तक हमने अपने वश में नहीं किया है, हमें उसकी जरूरत भी क्या है, हम अकेले उसके लिए काफी है। इस काम को तो हम उस डेजर्ट विंग के बिना भी खत्म कर सकते हैं। इस मरुस्थल के अंदर मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, कितने टाइम से इस मरुस्थल के अंदर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतनी देर में तो हम कुछ और काम करते तो वो भी कम्प्लीट हो जाता। दूसरा बंदा कहता है, पागलों इसी बातें बंद करो और थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, हम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है, डेढ़ महीने से हम यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं और जहां तक हमें लगता है उस डेजर्ट विंग ने अपनी सुरक्षा काफी ज्यादा कम कर दी है, अब ये सही समय है उस पर अटैक करके उसे अपने वश में करने का। हमें एक ट्रेनर की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा लायक हो, वो इतना लायक हो कि डेजर्ट विंग को अपने काबू में रख सके। पहला बंदा कहता है, मोस्टर ट्रेनर हम सबके सब ट्रेनर ही तो हैं और तुम क्या उस बेकार चीज के पीछे पड़े हुए हो, मैं हूं ना लायक, मैं वो काम करूंगा। ऐसे ही वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी भागते बंदे की तरफ आता है और चिल्लाए कहता है, हमने इस जगह पर जितने मोस्टर्स मारे थे वो सारे सारे फिर से जिंदा हो रहे हैं और वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए, हमें बचाइए, हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है, ये एक बहुत बड़ा अटैक है। ये सुनकर तीनों जने बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, वो कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? इसके बाद में हमें बारह सिंह दिखाते हैं, डम्बी एक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है और वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है।
नीचे प्लेटिनम हेड के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो सभी चिल्ला रहे हैं भागो भागो कोई बचाओ। तभी टम्बी अपना अगला अटैक करता है, वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है, उसके ऐसा करते ही उस जगह के ऊपर जितने मोस्टर्स मरे होते हैं वो सारे सारे जिंदा होने लगते हैं। एक बहुत बड़ा लिजर्ड और काफी सारे छोटे छोटे मोस्टर रेत के नीचे से बाहर आ जाते हैं। इस लिजर्ड को देखकर प्लेटिनम हेड का ये बंदा बोलता है, इस लिजर्ड को तो हमने एक महीने पहले मारा था, ये लॉटियर का है और काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी प्लेटिनम हेड के लोग वहां पर एक बैल बजाते हैं, ये खतरे की घंटी की तरह है। उस बैल के बजते ही वहां पर एक मोस्टर आ जाता है जिसका नाम 4R8 है और ये लेवल 44 पर है। ये यहाँ पर आते ही सीधे उस बड़े से लिजर्ड के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। उस एप को देखकर गांव कहता है, अच्छा तो इन्होंने अपना पहला मोस्टर बुला लिया जो कि ये ब्लू ऐप है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम इसे बड़ी सैनिक से हरा सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे मोस्टर्स मरे हुए हैं, अब ये लोग चाहे यहाँ पर कितने मोस्टर्स बुला ले, डम्बी अकेला है इन सब के लिए काफी है, डम्बी जितने चाहे उतने मोस्टर्स यहाँ से जिंदा कर सकता है। तभी लैन गांव से कहता है, कुछ आ रहा है। जिसमें गांव आसमान की तरफ देखता है, एक बड़ा सा कीड़ा उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है, इसका नाम सिल्वर आर मिराज है, ये लेवल 44 पर है। गांव से ये कहता है, मुझे इसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था, इसी मिराज को कई बार यूज सिटी के अंदर देखा गया है, ये हमारे ऊपर नजर बना के रखता था, ये मोस्टर इतना ज्यादा ट्रेन है कितनी छुपके सबके ऊपर नजर रखता है कि किसी को पता भी नहीं पड़ता। फिर गांव क्लर्क से कहता है, क्लर्क आगे बढ़ो। जिसमें क्लर्क बहुत तेज रफ्तार में उड़ता है और उस मिराज के पास जाकर उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर देता है और फिर पहले झपकते ही वापस से जमीन पर बैठ जाता है। क्लर्क की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि क्लर्क उड़के जाके उसको मारने के बाद वापस जमीन पर बैठ जाता है। उसके बाद में उस मिराज बोस्टर की बॉडी के अंदर कट लगना शुरू होता है और एक ही झटके में उसकी बॉडी कैसे टुकड़े होकर वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर प्लेटिनम हेड के लोग कहते हैं, ये कैसे हुआ, इन्होंने हमारे एक मोस्टर को एक ही झटके में केवल एक ही अटैक से हरा दिया, ये लोग बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं जल्दी से अर्थ ड्रैगन को बुलाना होगा, वही अब इन्हें संभाल सकता है। उस बंदे कितना कहते ही वहां पर एक पर्पल रंग का ड्रैगन आ जाता है जो कि लेवल 45 पर है। गांव इस बार अपने लायन को उससे फाइट करने के लिए आगे बैठता है, वो लायन कोई स्पेशल टाइप का अटैक करता है, वो अपनी आंखों में कुछ अजीब सी लाइट ले आता है जिससे उस ड्रैगन के हाथ पांव जमना शुरू हो जाते हैं। फिर वो लायन कहता है, मैं एक हाई लेवल का मोस्टर हूँ, मेरे लिए इतने छोटे मोस्टर से फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मेरे लिए एक बेइज्जती की तरह है। गांव कहता है, ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से इसे खत्म करो। लायन कहता है, नहीं मैं इसके अंदर फाइट नहीं करूंगा, मैं इसको मारना नहीं चाहता, मेरे को इसको मारने में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ट्रैप कर दूंगा, ट्रैप करने के बाद में इसके अंदर खेलने में बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए लायन अपनी स्क्रिप्ट यूज करता है, उसके ऐसा करने से उस ड्रैगन के आसपास में आइस के पिलर्स बन जाते हैं और वो ड्रैगन उन पिलर्स के बीच में कैद हो जाता है। गांव लाइन से कहता है, ये पिलर यहाँ पे काम नहीं आएंगे, ये अर्थ ड्रैगन बड़े स्थानी से इन सारे पिलर्स को तोड़ देगा। इस टाइम पे हम एक डेजर्ट के अंदर है, यहाँ का एनवायरनमेंट हमारे सबसे सही नहीं है। लाइन कहता है, चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए लाइन उस आइस के पास में आता है और उसके ऊपर अपना हाथ लगाता है, उसके साथ करते ही उस ड्रैगन की पूरी बॉडी बर्फ के अंदर जमने लगती है। अब उस ड्रैगन के मुख के अलावा उसकी पूरी बॉडी बर्फ के अंदर जम चुकी है। लाइन कहता है, अब इस बर्फ को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। गांव कहता है, यानी इसका मतलब अर्थ ड्रैगन भी खत्म हुआ, अब बस इनके पास में ये एक मोस्टर बचा है, ये ब्लू एप, इसको भी हम थोड़ी देर में हरा देंगे। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड और ये पूरी सीरीज खत्म होती है। इस सीरीज के अब तक जितने भी एपिसोड आए वो मैंने वापस से पूरे पूरे खत्म कर दिए हैं और इसी के साथ हमने एक और शानदार सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है फाइनल होप। फाइनल होप इस सीरीज के अंदर हमें एक वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स और रोबोट आर्मीज का अटैक होता रहता है। इस अटैक को फाइट करने के लिए इंसानों ने खुद की बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाया, खुद को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट किया और खुद पे अटैक करने वाले हर मॉन्स्टर को, हर रोबोट को हरा दिया। फिर इसके बाद में एक टाइम ऐसा आया जब इंसानों को खुद पे घमंड होने लगा, उनको लगने लगा कि कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। इसी घमंड को तोड़ने के लिए मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी ने इंसानों के ऊपर अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया। हमारे मेन कैरेक्टर मिंग ने दुनिया को बचाने के लिए आखिरी दम तक फाइट की, लेकिन वो अकेला इतना पावरफुल नहीं था कि उन सारे मॉन्स्टर को हरा पाता। एक टाइम ऐसा आया जब वो खुद भी मर गया और पूरी दुनिया तबाह हो गई है, लेकिन दुनिया के तबाह होने से पहले मिंग को एक सिस्टम की पावर मिलती है जिससे मिंग वापस से अपने 8-10 साल पीछे रीइनकार्नेट हो जाता है ताकि वो खुद को अब इतना ज्यादा पावरफुल बन सके कि वो मॉन्स्टर्स जो कि अब अटैक करने वाले हैं उनको हरा सके। मिंग के पास में वो सारी नॉलेज है जो कि उसकी पिछली लाइफ के अंदर थी जिसका अब वो यूज कर सकता है। अब सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि मिंग इस नॉलेज का किस तरह से यूज करता है। इस सीरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।